बंठन के मुटियाराया पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिका एंड आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। गाइज, ये जो मेकअप लुक है इसे आप एज अ वेडिंग गेस्ट तो ट्राई कर सकते हैं, साथ ही अगर आप लोग न्यूली मैरिड हैं तो अपने पोस्ट वेडिंग फंक्शंस के लिए इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एंड बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक है एंड बेस्ट पार्ट है कि इसे आप खुद से कर सकते हैं, आपको किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने फेस को क्लेंज एंड टोन करने के बाद यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डूक्री का फेस मॉइस्चराइजर। इसे अच्छे से अपनी स्किन में जाने दूंगी, देन मैं अप्लाई करूंगी लैक्मे का प्राइमर। देन वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद आवर आईज। तो आईलेट पे अप्लाई कर लूंगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। इसे एक डैम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी एंड मेबेलिन वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे सेट कर लूंगी। अपने अंडर आई एरिया पे भी सेम कंसीलर अप्लाई करके इस कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैं इसे सेट कर लूंगी। देन हिलेरी रोडा की इस आई शेडो पैलेट में से मैं पिक कर रही हूँ सबसे लाइट पिंक शेड। इसे एज अ ट्रांजिशन शेड में अप्लाई करूंगी अपने क्रीज एरिया पे एंड ऑल ओवर लिड पे। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद सेम पैलेट में से मैं पिक करूंगी एक पर्पल शेड और इसे एक फ्लैट ब्रश पे लेके मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी। और इसे तब तक अप्लाई करूंगी जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड शेड नहीं मिल जाता, डिजायर्ड कलर नहीं मिल जाता। देन मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। और सेम पैलेट में से एक पेंसिल ब्रश में मैं लूंगी इस डार्क पर्पल शेड को और इसे मैं अपने आउटर वी पे लगाऊंगी, यानी जो आईज के कॉर्नर्स है, आउटर कॉर्नर्स, वहां पे अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब सेम पेंसिल ब्रश में मैं पिक कर रही हूँ वही पर्पल शेड और उसके साथ ही मैं पिक करूंगी वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लैक आई शेडो। दोनों शेड को सेम ब्रश में पिक करने के बाद मैं इसे अपने आउटर वी पे लगाऊंगी आईज के, यानी आउटर कॉर्नर्स जो है हमारे आईज के, वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड शेड नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे अप्लाई करूँगी, देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी। सो अब आप देख सकते हैं मैं इसे फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आई शेडो कम्प्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉल्स आई लैशेज। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। देन स्टेक वर्की के इस काजल को एज अ आई लाइनर में अप्लाई कर रही हूँ और मुझे स्मोकी लुक चाहिए इसलिए मैं इसे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी कर लूँगी और बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल रही हूँ। काजल को सिर्फ अपने आईज़ के एंड तक ही मैंने अप्लाई किया है। वाइट काजल लिया है एन वाई बे का और इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एंड लोअर लैश लाइन है वहाँ पर ब्लैक स्टेक वर्की का काजल अप्लाई किया है। वाटर लाइन पर वाइट काजल अप्लाई किया है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड लोअर लैश लाइन पर जो ब्लैक काजल अप्लाई किया था उसे एक पेंसिल ब्रश में पर्पल आई शेडो पिक करके मैंने इस तरीके से स्मज कर लिया है। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। इस मस्कारा को अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ब्रोज को फिल करूँगी, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है एक डार्क ब्राउन शेड और उसमें मिक्स किया है एक ब्लैक शेड, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क हैं। आपकी आईब्रोज के हिसाब से आप कोई भी शेड पिक कीजिए, ब्राउन या ब्लैक। अब मेकअप रेवोल्यूशन के इस हाइलाइटर को मैंने पिक किया है एक ब्रश पे एंड अपने आईज के इनर कॉर्नर्स और अपने ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ। वेट एंड वाइल्ड के कंसीलर से मैं अपने फेस के जो भी डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन है उसे कवर कर लूँगी। एक डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज से इसे ब्लेंड भी कर लूँगी, देन पाउडर की हेल्प से इसे सेट कर लूँगी। इसके बाद फाउंडेशन के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसे अच्छे से अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई कर लूँगी एंड एक वेट फाउंडेशन स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। बाय द वे, ये जो फाउंडेशन स्पॉन्ज है ये वेगा का है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे सेट कर लूँगी एंड आज एन वाई बे के इस कंसीलर को मैं एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया, नोज ब्रिज पे एंड चिन पे भी मैंने इसे अप्लाई कर लिया और फोरहेड और अपर लिप पे भी अप्लाई करके इसे ब्लेंड कर लिया है। देन कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे का स्टिक कॉन्टोर और ये बहुत ज़्यादा डार्क एंड पिगमेंटेड है तो मैं बहुत ही लाइट अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे फेस को लिफ्ट मिले। बहुत ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, नोज़ पे भी इस तरीके से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। देन एक फाउंडेशन स्पॉन्ज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी।
ट्रांजिशन के लिए यूज़ किया था सेम शेड को मैं एज अ ब्लश अपने फेस पे यानी अपनी चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन आई एम गोइंग टू टेक दिस मेकअप रेवलेशन हाईलाइटर इन अ फैन ब्रश और इसे मैं अपने चीक बोन्स हाईलाइट करूँगी। आई एम गोइंग टू हाईलाइट ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड पे मैं हाईलाइट कर लूँगी। देन एक क्लिप लाइनर की हेल्प से मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी। कलर एसेंस की लिपस्टिक यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड की इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को यूज़ कर रही हूँ। देन अब आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी लिपस्टिक थोड़ी डार्क मुझे लग रही थी इसलिए मैंने उसे हटाकर दूसरी लिपस्टिक लगाई है। ये भी कलर एसेंस से ही है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अब आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया है एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत ही इजी तरीके से इस लुक को क्रिएट कर पाएंगे। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोग कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोनिया सोनिया, वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना।